नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। रामपुर बघेलान कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता रामपुर बघेलान तहसील परिसर में सौंपा तहसीलदार को ज्ञापन, जिसमें कि वर्तमान समय में महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि जनमानस परेशान है, जैसे कि बिजली का पर्याप्त मात्रा में किसानों को ना मिलना, जिससे कि किसान अपनी फसल समय से बायत नहीं कर पा रहे। शासन के अकलमंद कर्मचारी कुंभकर्ण की नींद पर सोए हुए हैं। इन दिनों डीएपी खाद की मारामारी मार्केट या बाजार में आसमान छू रहे, जैसे कि देखा जावे बाजार पर एक तो डीएपी खाद मिलती नहीं, अगर मिलती भी है ब्लैक दाम पर लगभग 3500 रुपए प्रति क्विंटल पर। क्या सवाल यह उठ रहा है कि शासन क्या इन कालाबाजारी करने वालों के ऊपर कब तक में कार्रवाई करेगी? क्या जनता ऐसी ही लुटती रहेगी? आज के इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय पांडे ने आड़े हाथों लेते हुए भाजपा सरकार को पूर्णता से दोषी करार दिया। उन्होंने कहा कि जब किसानों की बोयानी आती है तो खाद्य का रेट आसमान को छू लेती है। उन्होंने कहा कि अगले समय में हम लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे। बिजली की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किसान सिंचाई करने के लिए इंतजार कर बैठा रहता है। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लोग उपस्थित थे, जिनमें से कि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामशंकर प्यासी, पूर्व विधायक तोषण सिंह, पूर्व विधायक रामलखन सिंह, रोहित कांत सिंह, अतुल त्रिपाठी, रमेश शर्मा, अखंड प्रताप सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता विवेकानंद त्रिपाठी, वीरेंद्र सिंह, अंजनी शुक्ला, चूड़ामणि शर्मा, भारत पटेल, शिव पांडे, परीक्षित पाठक, शिव मोहन दुबे जी, वनस्पति सिंह, रामकलेश आदिवासी तथा सैकड़ों कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग उपस्थिति थे। सतना से संवाददाता सुधाकर त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। यहाँ किस विभाग बैठा हुआ, एसडीएम साहब बैठे हुए, यहाँ पे लोगों की जानकारी नहीं है क्या? इनको जानकारी है। ये सारा राजस्व अमले के देख रेख में इस तरह लुटाई हो रही है। नहीं, जब किसान कंप्लेन करते हैं तो ये लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते उनके खिलाफ में? इसीलिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि किसानों का जो लगातार शोषण हो रहा है उस शोषण को रोका जाए, और जो क्षेत्र में जले हुए ट्रांसफार्मर हैं उनको तत्काल बदला जाए, और जो 24 घंटे बिजली है ये किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर ये ज्ञापन देने के लिए आए। दो का कनेक्शन है, 5-5 एचपी का। खाद के मामले में सरकार अगर नियंत्रण करना चाहती है तो रसीद किसान को देना चाहिए। अगर रसीद देने लगे ये किसानों से हम लोग मुलाकात की है, ये कह रहे हैं कि सेठ लोग हमको रसीद नहीं देते। रसीद ये गवर्नमेंट मंजूर है। किसान दर दर भटक रहा है, नकली खाद एवं बेहद बढ़े हुए दामों का बोलबाला है। मैंने ये देखा कि अगर मैंने संपूर्ण प्रदेश नहीं घूमा तो संपूर्ण सतना जिले में खाद का कृत्रिम संकट है। शासन के पास पर्याप्त भंडार है, व्यापारियों के पास, सोसाइटियों में क्या रेट चल रहा है, सोसाइटी में खाद आती है, सोसाइटियों में खाद की पूर्णतः अनुपलब्धता है। किसानों को सोसाइटी के माध्यम से खाद बिल्कुल प्रदान नहीं की जा रही है। सबसे गंभीर विषय यह है, जो किसान पूरा देश चलाता है, जिस किसान के पैदावार से सारा विश्व पोषित होता है, वह किसान आज हमारा आने का तहसीलदार साहब महोदय, क्या आप लोगों ने माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारे मुद्दे खाद की उपलब्धता, किसान जो दर दर भटक रहा है, ट्रांसफार्मर।